दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अब जान लेते हैं आज की जो पहली बड़ी खबर है वो क्या निकल कर आ रही है। पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बॉलीवुड गानों गुजराती धुनों पर झूमा मोटेरा स्टेडियम। कि हम बात कर रहे हैं कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में विशाल नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए लगभग 1,00,000 लोग इकट्ठे हुए और ये लोग विभिन्न कलाकारों द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं बॉलीवुड और गुजराती गानों पर खुद को थिरकने और झूमने से नहीं रोक सके। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रथम महिला मेलानिया और उनकी बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर की मेजबानी करने के लिए तैयार दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में गरबा ने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। और प्रसिद्ध गुजराती गायकारों किंजल दवे, गीता रबारी और गायक कीर्तिदान गढ़वी और कई अन्य ने अपने गीतों से समा बांध दिया। और अगली खबर में आपको बता दें कि जब ट्रंप ने किया तेंदुलकर और कोहली का जिक्र, लोगों ने किया जोरदार चीयर, पीएम भी मुस्कुराए। जी हम बात कर रहे हैं कि मोटेरा स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का जिक्र किया। जैसे ही ट्रंप ने इन दो दिग्गज खिलाड़ियों को नाम लिया तो स्टेडियम में मौजूद लोगों ने जोरदार चीयर किया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल गई। और बता दें कि अपने भाषण की शुरुआत ट्रंप ने नमस्ते से की। ट्रंप ने कहा, ये वह देश है जहां आपके लोग सबसे बड़े क्रिकेटरों का चीयर करते हैं, सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक, दुनिया में सबसे महान। इसके साथ ही ट्रंप ने अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले और शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि DDLJ जैसी बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों सहित भारत में हर साल 2,000 फिल्में बनाई जाती हैं और पूरी दुनिया में लोग बॉलीवुड की फिल्में देखकर खुश होते हैं। और अहमदाबाद में कार्यक्रम खत्म होने के बाद ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप आगरा के लिए रवाना हो गए। वे वहां जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। आपको बता दें मोटेरा में आयोजित कार्यक्रम से ट्रंप अभिभूत हैं। उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा कि प्रथम महिला और मैं इस देश के हर नागरिक को एक संदेश देने के लिए दुनिया का 8,000 मील का चक्कर लगाकर यहां आए हैं। अमेरिका भारत को प्रेम करता है, अमेरिका भारत का सम्मान करता है और अमेरिका के लोग हमेशा भारत के लोगों के सच्चे और निष्ठावान दोस्त रहेंगे। ट्रंप के साथ उनका परिवार भी भारत दौरे पर आया हुआ है। ट्रंप की बेटी और उनकी सलाहकार इवांका ट्रंप भी उनके साथ भारत आई हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आपने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आनंद लिया, इस पर उन्होंने कहा, शानदार लिया। और अब बता दें कि कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने शाहरुख की DDLJ का किया जिक्र, बॉलीवुड को लेकर कही है ये बड़ी बातें। जी हम बात करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हो रहे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा जिक्र किया। उन्होंने बॉलीवुड का जिक्र करते हुए कहा कि भारत वो देश है जहां हर साल करीब 2,000 फिल्में बनती हैं। उन्होंने बॉलीवुड को जीनियस और क्रिएटिविटी का हब करार दिया। ट्रंप ने अपने भाषण में जब बॉलीवुड का जिक्र करना शुरू किया तो मोटेरा स्टेडियम में बैठे 1,00,000 से ज्यादा लोग झूम उठे। ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग यहां की फिल्में को देखते हैं। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि कन्हैया कुमार देशद्रोह केस में भाजपा नेता को झटका। जी हम बात कर रहे हैं कि CPI नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत देने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और ये याचिका BJP के एक नेता की ओर से दायर की गई थी। ये मामला फरवरी 2016 में JNU में हुई देश विरोधी नारेबाजी से जुड़ा है, जिसको लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे। आपको भाजपा का आरोप है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रही है और उसी के तहत पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में जाने को कह दिया है।
और आप बता दें कि सर्वसम्मति से ले दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राम निवास गोयल। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक राम निवास गोयल को एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और 2015 में भी गोयल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। इस बार भी वो सर्वसम्मति से स्पीकर बने हैं। सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राम निवास गोयल को स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा और दूसरे विधायकों ने इसका समर्थन भी किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से उन्हें स्पीकर चुना गया। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिंदूड़ी राम निवास गोयल को अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए और सीएम अरविंद केजरीवाल ने राम निवास गोयल का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर उनको बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि बीफ के शौकीन ट्रंप को भारत में परोसा जाएगा वेज, भाई की वजह से नहीं पीते शराब। जी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप को संबोधित करके अब आगरा में हैं। ट्रंप को जो करीब से जानता है उसके मुताबिक राष्ट्रपति के लिए भारत यात्रा थोड़ी मुश्किल होने वाली है। आपको बता दें, ट्रंप बीफ लवर हैं मगर भारत में उन्हें इसके बिना ही दौरा पूरा करना होगा। ट्रंप के शेफ्स की माने तो उन्होंने कभी राष्ट्रपति को सब्जियां खाते नहीं देखा है। उन्हें भी नहीं मालूम कि आखिर ट्रंप कैसे बिना बीफ के भारत दौरे पर मैनेज करने वाले हैं। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जब अहमदाबाद में थे तो शेफ सुरेश खन्ना को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह उनके खान पान को तैयार रखें। सुरेश खन्ना ने ट्रंप के लिव ब्रोकली समोसा, कुकीज, मल्टीग्रेन रोटियां और बेसन से बनी डिशेज जैसे खमण को ढोकला को तैयार किया था और खन्ना को साल 2009 में नेशनल कलिनरी अवार्ड से भी पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आपको बता दें, अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप मंगलवार को लंच के अलावा डिनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठेंगे, मगर ऐसी तैयारी है कि राष्ट्रपति को पूरी तरह से शाकाहारी खाना सर्व किया जाएगा। ट्रंप मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में शामिल होंगे। और अब अगली खबर आ रही बिहार से कि क्या RJD की छवि बदलने के लिए लालू राबड़ी से भी पीछा छुड़ाने की कोशिश में है तेजस्वी यादव। जी हम बात करें कि पिता के जेल में होने और मां के पारिवारिक विवादों में उलझे होने की वजह से लगता है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राजद पर पूरा नियंत्रण बना पाने का मौका मिल गया है और पार्टी की ओर से बार बार साफ किया जा चुका है कि इस साल के अंत में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा और तेजस्वी ही पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। लेकिन इस बीच तेजस्वी की ओर से कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लगता है कि वे लालू राबड़ी के जमाने वाली छवि से RJD को बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि जिनके जहन में अभी भी उस कथित जंगल राज वाले आरोपों की दौर की गूंज मौजूद है, उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। और अब फिर बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर शिवसेना का निशाना, आम भारतीय को क्या मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर शिवसेना ने कहा कि इसका प्रचार तो खूब हो रहा है लेकिन इससे आम भारतीय को क्या मिलेगा। शिवसेना ने कहा है, ट्रंप की यात्रा से गरीब और मध्यम वर्गीय भारतीयों के जीवन पर रत्ती भर असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में तो उनकी यात्रा को ऐतिहासिक कहना और उस पर उत्साहित होने का क्या मतलब है। साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा का उद्देश्य अमेरिकी व्यापार बढ़ाना है और शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में सोमवार को ट्रंप की यात्रा पर टिप्पणी की गई है। सामना कहता है कि ट्रंप की यात्रा को लेकर ट्रंप के दौरे से ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि वे जिस सड़क से गुजरेंगे वहां झुग्गियों को छुपाने के लिए कैसे दीवार बनाई जा रही है। और जब ट्रंप अपने आगमन के करीब 36 घंटे बाद भारत से रवाना होंगे तो भारत की धरती पर उनकी यात्रा की कोई छाप नहीं होगी। और आप बता दें कि पीएम मोदी पर शशि थरूर का तांजे कि दिल्ली में प्रदूषण से भी बड़ी समस्या। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के बहाने कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल शशि थरूर दिल्ली में एक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी तस्वीर को साझा करते हुए एक युवक ने उनसे ट्विटर पर सवाल पूछा कि सर क्या ये क्या है। इसके बाद शशि थरूर ने ट्वीट करके लिखा है कि ये डिवाइस दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद करती है लेकिन ये डिवाइस दिल्ली की बड़ी समस्या को खत्म
खत्म करने में सक्षम नहीं है। शशि थरूर ने ट्वीट करके लिखा कि दरअसल मुझे बताया गया है कि यह गैजेट PM 2.5 के कणों को दिल्ली की हवा में साफ करता है, लेकिन दिल्ली की दूसरी इससे बड़ी समस्या जो कि और भी ज्यादा जहरीली और नुकसानदायक समस्या है, प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा कार्यकाल है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के PM 2.0 के कणों को गैजेट साफ नहीं कर सकता है। शशि थरूर के इस ट्वीट को बड़ी संख्या में लोगों ने लाइक और रिट्वीट भी किया है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि महावारी महाभोज में शामिल हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पीरियड्स वाली महिलाओं के हाथ का बना खाया खाना। जी हम बात करें कि महिलाओं को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान की वजह से गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर के स्वामी कृष्ण स्वरूप दास की जमकर आलोचना हुई थी। और स्वामी कृष्ण स्वरूप दास ने कहा है कि अगर महिलाओं को महावारी यानी पीरियड्स आ रहे हों तो उन्हें इस दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि महावारी के दौरान अगर महिला किचन में पति के लिए खाना बनाती है तो निश्चित तौर पर वह कुतिया के रूप में पुनर्जन्म लेगी। उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ था, जबकि दिल्ली की महिलाओं ने इसका विरोध करने के लिए खास तरीका अपनाया है। आपको बता दें रविवार को मयूर विहार की औरतों ने महावारी महाभोज का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हिस्सा लिया। और मनीष सिसोदिया ने इस दौरान उन औरतों के हाथ का बना खाना खाया जिनके पीरियड चल रहे थे। और इस कार्यक्रम का आयोजन मयूर विहार फेज 2 के पॉकेट ए सेंट्रल पार्क में आयोजित किया गया था। और अब अगली खबर एक और आ रही बिहार से, आपको बता दें बेरोजगारी हटाओ यात्रा के बारे में कि तेज प्रताप बोले भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब बजाऊंगा मुरली। जी हम बात करें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के चर्चित बेरोजगारी हटाओ यात्रा की औपचारिक शुरुआत पटना के वेटनरी मैदान से हुई। और इस यात्रा की शुरुआत के दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही उन्होंने वादा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले सरकारी नौकरियों में मूल निवासियों की अनिवार्यता का कानून बनाएंगे। और इस दौरान तेज प्रताप यादव ने भी बेरोजगारी हटाओ यात्रा को संबोधित किया। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। तो अब बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि मनसे की शिकायत पर पुलिस ने 3 मुस्लिम युवकों से की पूछताछ, नागरिकता साबित करने को कहा। जी हाँ हम बात करें कि महाराष्ट्र के पुणे में राज ठाकरे की अगुवाई में उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने संदिग्ध अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। और इस अभियान की शुरुआत के अगले दिन अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की है। और मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि 3 मुस्लिम युवक बांग्लादेश के हैं, जिसके बाद पुलिस ने तीनों ही युवकों से पूछताछ की है। और रविवार को इन 3 युवकों में से एक युवक ने पुणे में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी कि मनसे के कुछ कार्यकर्ता जबरन उनके घर में घुस गए और उनके साथ मारपीट भी की। मनसे नेता का कहना है कि हमें इस बात का संदेह था कि अवैध रूप से कुछ बांग्लादेशी नागरिक यहां रह रहे हैं और हमने उसके बाद पुलिस से इनके बारे में पूछताछ करने को कहा है, जिसके बाद संदिग्ध लोगों को पुलिस स्टेशन लाया गया। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें शाम को छोड़ दिया गया। और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मनसे के कार्यकर्ता जब इस इलाके में गए तो उनके साथ पुलिस मार्शल भी साथ में गए थे। उन्होंने बताया कि मनसे की शिकायत के बाद पुलिस कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन ले आई थी और उनसे पूछताछ की गई, इनमें से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं है। और अब बता दें कि मेलानिया के स्कूल दौरे पर US एम्बेसी ने कहा, हमें CM केजरीवाल की उपस्थिति से दिक्कत नहीं। जी हम बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल 2 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं और इसके बाद वे 25 फरवरी में दिल्ली में होंगे। इस दौरान अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा करने वाली हैं। और मेलानिया ट्रंप के दिल्ली के स्कूल में जाने से पहले दिल्ली के आप सरकार और केंद्र के बीच विवाद देखने को मिला था। आपको बता दें खबरें आई थी कि मेलानिया ट्रंप के मंगलवार को दिल्ली के सरकारी स्कूल के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन अब अमेरिकी दूतावास ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के दिल्ली के सरकारी स्कूल के दौरे को लेकर आए बयान में कहा गया है कि प्रथम महिला के स्कूली दौरे पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति को लेकर उनकी ओर से कोई नहीं थी लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि उन्होंने इसे राजनीतिक दौरे से इतर माना है।
और अब बता दें कि ट्रंप के डिनर में शामिल नहीं होंगे मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद, जाने क्या है कारण। जी आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में मंगलवार रात को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से आयोजित रात्रि भोज में पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद शामिल नहीं होंगे। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से मिली है और इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी डिनर में नहीं शामिल होने की बात कही थी। बताया जाता है कि कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को डिनर में आमंत्रित नहीं करने से कांग्रेस पार्टी नाराज है, इसलिए पार्टी के डिनर के बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। सोना खरीदने वालों को लगा झटका, पहली बार कीमत 43,000 के पार, जानिए वजह। जी हम बात कर रहे हैं, सोना खरीदने वालों को जोरदार झटका लगा है। सोने की कीमत रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच गई है। सोने की कीमत 7 साल से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और सोने की कीमत में लगातार तेजी हो रही है और सोमवार को सोना नए रिकॉर्ड को पार कर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को सोने की कीमत 43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गई है। हालांकि अभी आपको इसमें राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है, सोने की कीमत में अभी और तेजी आने की संभावना है। जानकारों की माने तो सोना 45,000 रुपए के पास पहुंचेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।